ठीक है, ऋषिकेश इट्स लाइव नाउ, ओके नाउ मोलालिटी इज इक्वल टू 0.005 डी. नाउ मोलालिटी, हाउ टू फाइंड मोलालिटी, मोलालिटी कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड मोलालिटी, कोई बताओ जल्दी से. तो नंबर ये तो आसान था. अच्छा हाँ, 1000 रह गया था यहाँ क्योंकि ग्राम पर एमएल, एमएल में आएगा ये, सो इनटू 1000, सो ये आंसर फाइनल क्या आना चाहिए, सो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 5D. ठीक है, तो 0.05 by 100 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. दैट इज 50 मोलाल, राइट. किसी को डाउट है इसमें तो बताएंगे प्लीज. किन्हीं को भी इसमें कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी समझ नहीं रहा हो तो बताइए विदाउट फेल. ठीक है, समझ गया है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज वी विल मूव अहेड. हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं. सर, हाँ, सर वो मास ऑफ सॉल्वेंट 100 कैसे लिया? सॉल्वेंट लेना है ना, शायद सॉल्यूशन ले लिया मैंने. ठीक है, तो सॉल्वेंट ले लेते हैं हम लोग. सॉल्वेंट इज 100 - 40, 60. अब सही है, हाँ यस सर. ये गया है. एक सेकंड, फिफ्टी बाई सिक्स मोलाल, ओके. चलिए अगला देखते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन टर्म. सो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को यही डिस्कस करना था, बाकी कंसंट्रेशन टर्म में कुछ खास बचता नहीं है. हाउ वी विल डिस्कस समथिंग अदर्स. नाउ सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा. हाँ, ये जो कहानी आपको सुना रहा था दैट वाज जस्ट ट्रेलर ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर. Now we are going to start solution and its colligative property. So this is the topic which we have to study. Now this topic has two part, one about solution and another about colligative property. ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन का जो पार्ट है उसमें हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करना है. ठीक है, उनके डिविजन्स जो है उनको डिस्कस करना है, फिर सॉलिबिलिटी का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्कस करना है. तो पहला तो पॉइंट है सॉल्यूशन क्या है उसको डिस्कस करना है, सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस. ठीक है, दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक. ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव ऑलरेडी सीन. हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, कंसंट्रेशन डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. डिविजन जो हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन जो करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. सो दिस विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर और सॉल्यूशन टॉपिक. सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. इफ यू विल सी थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी बेस्ड अपॉन सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. So different types of solution based upon state, right? So this will be the third part of the topic, solution. Now, fourth part of the topic will be based upon the solubility of different types,
को ही हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ एक जो टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल को समझने के लिए हम पहले वह देखने वाले हैं. मैंने फोर्थ पार्ट में सब टॉपिक में बताता हूं. फोर्थ पार्ट में पहले हम सब टॉपिक में अगर देखें सो हम लोग बेसिकली फेज फेजर डायग्राम होते हैं जो सॉल्यूशन से रिलेटेड फेजर डायग्राम्स देखने वाले फेज के डायग्राम्स देखने वाले डायग्राम्स रिलेटेड टू फेज वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ये हम लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है. फिर हम लोग को आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन राउल्ट्स लॉ देखना है. सो इसमें हम लोग को हेनरीज लॉ आएगा. हेनरीज लॉ वैसे हम लोग को सॉल्युबिलिटी में भी आने वाला है बट यहाँ पे भी आएगा. राउल्ट्स लॉ आएगा एंड राउल्ट्स लॉ के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हम लोग को क्या देखना पड़ेगा. राउल्ट्स लॉ के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे. एंड आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन पे बेस्ड हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे विच इज टर्म्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स. ये देखने के बाद हमारा सॉल्यूशन का पार्ट कवर हो जाता है. ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा तो हम फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे. तो ये आप समझ सकते हैं ये थोड़ा चैप्टर है काफी लेंदी और थोड़ा समझने वाला है. ठीक है. वैसे अगर हम लोग सीधे देखें तो स्टेट बोर्ड में ये आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ही नहीं. फेज डायग्राम नहीं है, उन्होंने ये उड़ा ही दिया है. और आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं उतना तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दिया नहीं. तो मतलब उन्होंने बहुत कम ही ये पार्ट काम चला लिया. बट एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं एंड इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में नहीं दिया है बट इतना दे दिया है कि उन लोग बोल सकते हैं कि डिटेल में है. सो हम लोग इसलिए जरूरी क्या है, हम लोग को इनको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है, समझना जरूरी है. ठीक है, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे लिए ये पार्ट तो कवर हो चुका है. दिस इज ऑलरेडी डन. सॉल्यूशन एंड रिलेटेड डेफिनेशंस जो है दिस इज डन, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था बच्चों. सो इस पे हम लोग कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं. दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ठीक है, सो ये कंप्लीशन हो चुका है. Now classification of solution से start करते हैं. From there itself we will start. ये topic जो है बच्चों यहीं से start करना ज़्यादा उचित रहेगा. So सबसे पहले सर्वप्रथम we will see classification of solution. ठीक है. So we will see from classification of solution. ना अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन है. हम लोग मेनली तीन बेसिस देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन का. पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो बहुत सिंपल सा है. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. व्हाट आर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विच द सॉल्यूशन कंटेन. सो पहला है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. बच्चों आप सब लिखते जा रहे हो ना साथ साथ में? यस सर. पीछे जो भी लिखाया था सब लिख लिया है ना? हाँ सर. ओके गुड श्वेता. अदर्स आल्सो आई फील दे माइट हैव रिटन दोस थिंग्स. हैं जिन्होंने नहीं लिखा है बताएंगे, नहीं तो आप यूट्यूब का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे है. अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम डिविजन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पहले एक एक डिविजन देखते जाएंगे, बाद में हम लोग देखते जाएंगे फर्दर. सो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे अगर हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूट या एक सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूट हमारा पास एक है एंड सॉल्वेंट भी एक है हमारे पास अगर मान लेते हैं. सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी टर्म्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन.
राइट, उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट एक है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट भी एक ही। नाउ समझने वाली बात क्या है, ये तो हम लोग साफ तरीके से जानते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोर देन वन नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोर देन वन हो सकता है। तो अगर हम लोग टर्नरी, क्वार्टरनरी एंड सो ऑन सॉल्यूशन बताएं, तो टर्नरी सॉल्यूशन कब होगा? टर्नरी सॉल्यूशन होगा जब हमारे पास थ्री कंपोनेंट होंगे, तो टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा जब हमारे पास टोटल कंपोनेंट कितने होंगे, थ्री कंपोनेंट होंगे। नाउ इस थ्री कंपोनेंट की जब मैं बात करूंगा तो कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें, तो आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि हमारे पास टोटल दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो हमारा थ्री कंपोनेंट की तरह हम लोग जा सकते हैं। इसी तरह से क्वार्टरनरी सॉल्यूशन भी है, वी विल सी क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, राइट। सो हमारा जो सी पार्ट होगा, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होगा, इसमें हमारे पास चार कंपोनेंट होंगे, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से, सो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हियर विल बी फोर कंपोनेंट्स, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट वी कैन से बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है और इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ जाने चाहिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, उसका डिस्कशन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसमें हम लोग को कोई डाउट नहीं है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन जो अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो सेकेंड डिवीजन विल बी बेस्ड अपॉन टाइप्स, जो हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज है उसके बेसिस पे। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो नेक्स्ट विल बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन फेज थ्री कंपोनेंट। श्वेता का क्वेश्चन है थ्री कंपोनेंट का मतलब क्या है। श्वेता, थ्री कंपोनेंट का मतलब है दो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। जैसे कंसीडर करो, तुमने वाटर लिया और वाटर में सॉल्ट एंड शुगर दोनों डाल दिया है, तो वो एक थ्री कंपोनेंट, तो उसको हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है श्वेता? हाँ सर, समझा। ओके, सो बेस्ड अपॉन फेज, फेज के बेसिस पे हम लोग अगला डिविजन कर रहे हैं। सो बेस्ड अपॉन फेज अगर हम लोग अगला डिवीजन करें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं सॉल्यूट का फेज क्या होगा, सॉल्वेंट का फेज क्या होगा, और उसके एग्जांपल। सो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जांपल। नाउ एक और चीज जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो हम सॉल्यूशन बताते हैं वो किसके बेसिस पे बताते हैं, सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन का नाम होता है। जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं बात कर रहा हूं गैसियस सॉल्यूशन की, पूछा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट हमेशा गैस होने वाला है, ये ध्यान में रखेंगे, सॉल्वेंट हमारा हर एक केस में गैस होगा। तो पहला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं गैस इन गैस, राइट, गैस इन गैस, दैट विल बी सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर, एयर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर गैस इन गैस, राइट। सो इसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिक्स्ड होते हैं, सो एयर इज द बेस्ट एग्जांपल, इफ वी विल सी। और कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है गैस इन गैस का, किसी को और कोई एग्जांपल ध्यान में है तो बताएंगे? अमोनिया सर। अमोनिया किसके साथ, कोई गैस के साथ उसको डिसॉल्व करना है, मिक्सचर बनाना है ना? नहीं, अमोनिया का डिकम्पोजिशन N2NH2। नहीं, लेकिन N2NH2 तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा ना, हम लोग उसके मिक्सचर को बोल रहे हैं। अमोनिया मिक्सचर कैसे है, अमोनिया तो एक कंपाउंड है बेटा, अमोनिया मिक्सचर तो है ही नहीं, हम लोग यहाँ मिक्सचर की बात कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते क्या? तुम कंपाउंड का बात कर रहे हो। हाँ श्वेता बताओ। सर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तो किसी भी गैस को मिक्स करो, वो तो एयर में भी वैसे ही रहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, किसी भी गैस को आप मिक्स कर सकते हैं, राइट। हर्षल बता रहा है सिर्फ हाइड्रोजन कैसे मिक्सचर है, हर्षल सिर्फ हाइड्रोजन मिक्सचर नहीं हो सकता,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट हर सर? हाँ सर। सिर्फ हाइड्रोजन को हम मिक्सचर की तरह कंसीडर नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है? सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ पॉइंट बी की बात करते हैं। सो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज गैस एंड सॉल्यूट इज लिक्विड इन गैस। नाउ लिक्विड इन गैस की अगर बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, सो क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्स्ड इन नाइट्रोजन, सो क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, सो ये ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डिजॉल्व इन गैस, सो इट इज अनदर टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज गैस, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में है, वो किस स्टेट में चला गया, वेपर स्टेट में, मिक्स्ड हो रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। सॉलिड इन गैस का तो एग्जांपल बहुत नोन एग्जांपल है, कैम्फर, राइट? सो हम लोग को पता है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, या कैम्फर इन एयर भी बोल सकते हैं, सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल वी कैन से। जो अपना कैम्फर रहता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, सबलाइम हो जाता है, फटाफट सबलाइम हो जाता है, सबलाइम करके ये प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है बच्चों? सो ये ध्यान में रखेंगे। सेकेंड टाइप अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन। हम लोग अगला कहानी लिक्विड सॉल्यूशन का बताएंगे आपको। लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमारा जो केसेस हैं उनमें हमारा सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, तो सॉल्यूशन का नाम किसके बेसिस पे पड़ता है, सॉल्वेंट के बेसिस पे, तो गैस इन लिक्विड, सो गैस इन लिक्विड, तो ये एग्जांपल हो गया O2 इन H2O। सो जैसे ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर, जिसके चलते एक्वाटिक एनिमल्स क्या कर पाते हैं, ब्रीद कर पाते हैं, राइट? जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में उसके चलते देखा जाए तो एक्वाटिक एनिमल क्या कर पाते हैं, ब्रीद कर पाते हैं Inside the water, so this is one of the best example, oxygen dissolving gas. Even carbon oxygen dissolving water. Even carbon dioxide dissolving water is another example you can think of. Because of greenhouse effect, carbon dioxide क्या हो गया, water में dissolve कर गया, liquefy होने के चलते, जैसे जैसे temperature, तो इसको carbon dioxide in water is another example of greenhouse effect के चलते ये हम लोग example सोच सकते हैं। Now liquid in liquid. अगला एग्जाम्पल, हाँ हर्षल बताओ, कोका कोला, यस कोका कोला इज आल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, कोका कोला इज आल्सो अ गुड एग्जाम्पल, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज समवेयर डाउन द लाइन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इटसेल्फ। हर्षल क्या डाउट है? सर वो गलती से हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम हर्षल, सो लिक्विड इन लिक्विड, सो लिक्विड इन लिक्विड, so when I am talking about liquid in liquid, famous example, right? ethanol in water. Ethanol in water is the best, one of the best examples we can see for liquid in liquid. और कोई liquid in liquid का example बताओ, बहुत सारे example हैं। Mixture of miscible liquids, yes, mixture of all miscible liquid can be considered in liquid in liquid. Now, solid in liquid, ये तो क्या है? Then हम लोग इसी example को देखते हैं, right? Solid in liquid. Solid in liquid is sucrose in water. There can be n number of examples which we can give for this. Salt in water, sucrose in water, number of examples which we can give for this case. इस case में हम लोग बहुत सारे example दे सकते हैं। अब third example, third जो solution है हमारा, वो सॉल्यूशन क्या है हमारा, थर्ड सॉल्यूशन, तो थर्ड सॉल्यूशन विल बी सॉलिड, अगर देखा जाए तो दैट विल बी सॉलिड सॉल्यूशन, दैट विल बी आवर थर्ड एग्जांपल, सॉलिड सॉल्यूशन। ना सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोग एग्जांपल ए से स्टार्ट करेंगे, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, कोई गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल बताएगा बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल है।
हाइड्रोजन इन प्लेडियम, ये फेमस एग्जांपल है, हाइड्रोजन इन प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल, दिस इज वन ऑफ द फेमस एग्जांपल्स। और कुछ सुझ रहा है, कोई सा भी गैस जो सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गया हो, तो दैट इज द एग्जांपल फॉर दिस केस। ठीक है बच्चों, नाउ बी देखते हैं। बी में लिक्विड इन सॉलिड अगर देखा जाए तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल सोडियम एमलगम है ना, सोडियम एमलगम, सो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड इज सोडियम एमलगम, सोडियम डिसॉल्वेट, सोडियम में हमारा जो Hg है, Hg किस में डिसॉल्व हो, Na में, सो मर्क्यूरी एंड Na, सो सोडियम लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल, लिक्विड मर्क्यूरी इज डिसॉल्व इन सॉलिड। नाउ सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड। बहुत हाँ, ब्रास 500 एग्जांपल है, जितने भी अलॉयज होंगे, ऑल द अलॉयज यू कैन गिव एज द एग्जांपल, ये सारे अलॉय हम लोग क्या करते हैं इसमें एग्जांपल में डाल सकते हैं, राइट? ब्रास हो गया, एल्निको हो गया, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स व्हिच यू कैन प्रोवाइड फॉर दिस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हो, लिख लिया हो आपने, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो बताते जाएंगे, वैसे इसमें डाउट आने का चांसेस नहीं है एंड नहीं आना चाहिए, ठीक है? थर्ड जो डिवीजन है, जो थर्ड डिवीजन है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। थर्ड डिवीजन इज बेस्ड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं थर्ड डिवीजन, थर्ड टाइप ऑफ, ये थर्ड डिवीजन जो हम लोग सॉल्यूशन का करते हैं, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड लास्ट वन विल बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution, unsaturated solution and super saturated solution will be the three cases. एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स सॉल्युबिलिटी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? Saturated solution क्या है, unsaturated solution क्या है, एंड देन हम लोग को सॉल्युबिलिटी का जो पॉइंट है वो डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है? तो उधर हम लोग बाद में जाएंगे, पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कोई बताएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में कुछ, जल्दी बताओ, किसी को ध्यान है? सर, विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बताओ मेरा कनेक्शन है कि कट गया है? कट गया। विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है श्रुति का, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है।
ओके बच्चों, थोड़ा नेट चला गया था मेरा, दूसरा सिम लगाया हूँ, जस्ट दो मिनट है, फिर से रीस्टार्ट करता हूँ जहाँ से था, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो हम लोग वहीं से आगे देखते हैं, वी विल मूव अहेड फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम लोग डेफिनेशन देखना चाहें तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन which contains as much as solute which it can dissolve at a given temperature. It's called saturated solution. इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, saturated solution. Next is unsaturated solution. A solution which contains lesser solute than the amount of solute it can dissolve so at a particular temperature, so that will be a super saturated solution. ठीक है, नाउ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नाउ थर्ड विल बी सुपर सैचुरेटेड, तो यहाँ पे बोल देना ग्रेटर सॉल्यूट देन द, सीधे डेफिनेशन में सुपर सैचुरेटेड के ग्रेटर वर्ड आ जाएगा बस, और कुछ नहीं, तो आप लोग लिख लीजिए फटाफट, कंप्लीट कीजिए इसको, तो इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट, डेफिनेशन क्या होगा, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स greater solute than the amount of solute it can dissolve at a particular temperature. ठीक है, so this is called super saturated solution. Now अब हम लोग को इन तीनों solution में हम लोग को एक चीज समझना है कि अगर मान लीजिए आपके पास saturated solution है, ठीक है, so substance will not dissolve further. अब उसमें कोई और substance dissolve नहीं करेगा, ये याद रखेगा, सॉल्यूट बेटर टू से इंस्टेड ऑफ सब्सटेंस, वी शुड से सॉल्यूट विल नॉट डिसॉल्व फर्दर, राइट? नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट,
और सॉल्यूट ऐड किया सकता है क्योंकि उससे कम है, जब सैचुरेशन का पॉइंट है उससे कम है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे सब्सटेंस प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा, सॉल्यूट विल प्रेसिपिटेट आउट, बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो सॉल्यूट विल प्रेसिपिटेट आउट, ये केस हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अब पॉइंट ये उठता है कि हम सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो बता रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा डिजॉल्व नहीं करेगा, इससे कम डिजॉल्व करेगा, इस बेसिस पे। नाउ बेसिस क्या है सॉल्युबिलिटी का, कि कितना डिजॉल्व करेगा, ये कैसे पता चलेगा, हाउ टू अंडरस्टैंड, या हाउ टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कितना वो डिजॉल्व कर सकता है वो कैसे समझा जाए, दैट वी हैव टू सी। So to understand that, we have to understand solubility in different types of solution. So our next topic will be, ये हमारा second topic है, पहले हम लोगों ने वो देखे कौन कौन से type के divisions थे वो हम लोगों ने देखे। ठीक है, so अभी तक अगर हम लोग देखे तो हम लोग का जो पहला part था उसका हम लोग discussion किए हैं। Basically अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ classification of solution देखा है, solution related definition देख लिया है। अब सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन द फेज और स्टेट, इसको अंडरस्टैंड करना अब जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो अब सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन और सॉल्युबिलिटी क्या है और कहाँ कहाँ सॉल्युबिलिटी को किस बेसिस पे समझा जा सकता है, दैट वी नीड टू चेक एंड दैट वी नीड टू सी। सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? So solubility is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. That is basically solubility. कि कितना solute dissolve होगा किसी particular amount of solvent में किसी particular temperature पे। Temperature भी important है क्योंकि temperature और pressure factors देखेंगे, ये solubility को affect करेंगे। So temperature will be also a important factor. तो solubility को define कैसे किया है? तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन क्या है? इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर आप म्यूट हो गए हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैंने जानबूझ के बंद किया था। Okay, so solubility is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. So this is important. Ki bhai amount of solvent bhi important hai aur solute kitna dal rahe us pe, that from there you can understand the solubility aspect. Theek hai? Now factors jo solubility ko affect karenge unko hum log ko ek ek karke discuss karna hai. Theek hai? तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी देखेंगे। बट बच्चों हम लोग को एक चीज समझना है, हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस करना है, हमको सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा इट विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स लिक्विड सॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन? वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट
गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, ये डिस्कशन हमारा रहेगा. सो वॉट एवर डिस्कशन अबाउट सॉलिबिलिटी या फर्दर जो भी डिस्कशन है, इवन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ना है हमको जेई सिलेबस में, वो भी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही है. सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के लिए हम लोग को कोई चीज भी पूछा नहीं जाता है या पूछते नहीं है, ये ध्यान में रखना है. सो आई होप हम लोग जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिस्कस करेंगे, वो पहले थोड़ा जनरलाइज डिस्कस करेंगे, बट बाद में हम लोग मेनली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे. गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इस पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे. सो बच्चों ध्यान से सुनते जाइए, ये डेफिनेशन आपने सर्टेनली लिख लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट. आर फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो ये दो पॉइंट है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये दो मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. प्रेशर का भी इफेक्ट कंसिडरेबल होगा, बट वो डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे. तो प्रेशर का जो इफेक्ट है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट इफेक्ट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इफेक्ट पे डिपेंडेंट है, ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. सो वो भी हम लोग चीज समझेंगे, वो भी हम लोग चीज डिस्कस करेंगे, बट नॉट नाउ. ठीक है बच्चों, सो थर्ड पॉइंट आएगा प्रेशर, बट नॉट नाउ. तो एक पॉइंट टू रिमेम्बर मैं आपको लिख के दे देता हूँ. So, प्रेशर का जो इफेक्ट है दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन कंसिडरेबल अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हम लोग फिजिकल स्टेट पे डिपेंडेंट होगा. सो सर्टनली ये इसी टॉपिक में कवर हो जाता है. ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग बाद में इसको जैसे जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट आएगा वैसे वैसे समझते चले जाएंगे, वैसे वैसे डिस्कस करेंगे. तो अब सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको डिफाइन करते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं. क्योंकि देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स बिटवीन देम, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर स्टेट, सब इफेक्ट्स वहां पे आ जाते हैं. यहाँ पे इंथैल्पी भी आ जाता है, यहाँ पे एंट्रोपी भी आ जाता है, यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी का भी अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, सारे अंडरस्टैंडिंग एक साथ आ जाते हैं. ठीक है, सो अब हम लोगों को समझना है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किस बेसिस पे. तो एक अपना फेमस लाइन है, लाइक डिजॉल्व लाइक, राइट, उस अंडरस्टैंडिंग पे कि भाई लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक सब्सटेंसेस जो है वो लाइक सब्सटेंसेस के साथ जाना चाहते हैं, है ना. ये अंडरस्टैंडिंग तो सबको पता है, हम लोग इवन आपस में दोस्तों में भी देख सकते हैं और सारे चीजों में देखेंगे तो हमेशा लाइक चीजें लाइक लोगों के साथ रहने चाहती हैं. तो उस अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग ये
पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम अगर सॉल्यूशन के एस्पेक्ट से बताएं तो हम बोलेंगे पोलार सॉल्यूट डिसॉल्वेंट पोलार सॉल्वेंट, नॉन पोलार सॉल्यूट डिसॉल्वेंट नॉन पोलार सॉल्वेंट, ये सब पॉइंट्स हम लोग बता सकते हैं, ये सब पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना है, ये समझ के रखना है। नाउ हम लोग इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे एक एक करके, बट पहले हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो क्या है लाइक डिसॉल्व लाइक कैसे इफेक्ट करता है, उस चीज को थोड़ा डिटेल में देखना है, समझना है। ओके, बट इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक मिनट ये शेयर